अस्सलाम वालेकुम, आई एम नमान। तो आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ एक ऐसा बीस्ट गेमिंग मोबाइल जो कि पबजी मोबाइल में आपको स्टेबल 120 FPS देगा। और स्पेशली ये मोबाइल बनाया ही पबजी मोबाइल प्लेयर्स के लिए गया है, और पबजी मोबाइल सुपर लीग का ऑफिशियल गेमिंग फ़ोन भी है। तो ये मोबाइल है इन्फिनिक्स का GT20 Pro। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये आ गया हमारा इन्फिनिक्स GT20 Pro। तो चलो करते हैं इसको अनबॉक्स। तो यहाँ पे यार सबसे पहले इसको ये ऊपर से कवर ओपन करते हैं। यहाँ पे बहुत ही कलरफुल ब्लू कलर का थीम दिया हुआ इन्होंने मैका थीम के अंदर, और इसके अंदर से निकलता है एक मेन बॉक्स, जो मेन बॉक्स है इसका जिसके अंदर मोबाइल फोन और बाकी चीजें। तो इसको करते हैं थोड़ा सा साइड पे। तो ये आ जाता है हमारा मेन बॉक्स। इसकी ओपनिंग बहुत ही मजेदार है यार, बहुत ही एक इसके अंदर ना मैग्नेटिक किस्म की इन्होंने ओपनिंग दी हुई। और यार जितने मोबाइल मैंने आज तक अनबॉक्स किए हैं उनमें मतलब सबसे यूनिक अनबॉक्सिंग इसकी है इन्फिनिक्स GT20 Pro की। तो चले करते हैं इसको ओपन ऐसे करके। मैका डिजाइन के अंदर इसकी ओपनिंग है। यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिलता है एक मैका डिजाइन के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का कवर मिलता है जो कि मैका डिजाइन के अंदर है। यहाँ पे इसकी जो RGB लाइट्स है उसकी यहाँ पे जगह दी हुई है, यहाँ पे आप फैन भी लगा सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पे हमें एक मिलता है ग्लास प्रोटेक्टर। यार जहाँ पे बाकी ब्रांड्स चीज़ें कम करते जा रहे हैं बॉक्स के अंदर, वहाँ पे इन्फिनिक्स हमें दे रहा है एक ग्लास प्रोटेक्टर। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक ग्लास प्रोटेक्टर है। और यहाँ पे आता है फाइनली हमारा फोन, लेकिन इसको हम रखेंगे साइड पे। पहले चेक करते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मिलता है हमें एक 45 वॉट का इन्फिनिक्स का पावरफुल फास्ट चार्ज, और इसके साथ यहाँ पे हमें एक मिलती है Type-C 3.0 और बहुत यार अच्छी क्वालिटी की केबल है। और इसमें एक मजे की बात यह है कि ये L शेप्ड केबल है ताकि आपके हाथ के साथ अड़ेगी भी नहीं जब आप गेमिंग कर रहे होंगे। तो अभी चलते हैं मोबाइल फोन की तरफ। तो यार यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसकी शेप के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे यार बहुत ही जबरदस्त किस्म का इसका डिजाइन है। यहाँ पे फुल एक मैका डिजाइन उन्होंने दिया हुआ है, ये मैका ब्लू कलर के अंदर जो हमारे पास वेरियंट है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलती है एक RGB लाइट, और बाकी बैक पे कैमरे इसके माउंट है। राइट साइड पे यहाँ पे आपको पावर और वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं। अप साइड पे एक स्पीकर है, इंफ्रारेड है, एक माइक है। डाउन साइड पे यहाँ पे आपको बॉटम पे एक चार्जिंग जैक, बाकी डुअल नैनो सिम माइक्रोफोन, और यहाँ पे सेकंड स्पीकर जो कि साउंड बाय JBL है। फ्रंट डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.7 इंचेस के साथ एक बेजल लेस फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जिसके अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आपको मिलता है। तो इसके प्रोसेसर की बात की जाए तो यहाँ पे दो प्रोसेसर आपको देखने को मिलते हैं जिसके अंदर जो मेन प्रोसेसर है Dimensity 8200 अल्टीमेट प्रोसेसर जो कि बहुत ही बटरी स्मूथ परफॉर्मेंस आपको देता है गेम प्ले के अंदर। और दूसरे प्रोसेसर की बात करें तो वो इसका जो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है उसको कंट्रोल करने के लिए एक सेकंड चिपसेट भी इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है जिससे अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो आपकी गेमिंग की परफॉर्मेंस कंप्रोमाइज ना हो। और इसकी अगर रैम की बात की जाए तो यहाँ पे 24 GB की आपको रैम मिलती है। तो यहाँ पे इसके अदर फीचर्स की बात की जाए तो बैक साइड पे आपको 108 MP का मेन कैमरा मिलता है, फ्रंट साइड पे 32 MP का फ्रंट कैम मिलता है, और इसके साथ Wi-Fi 6 टेक्नोलॉजी मौजूद है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मौजूद है, इंफ्रारेड की टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, और बैटरी 5000 mAh की आपको इसमें मिलती है। तो ये जो इसकी बैक साइड पे मैका डिजाइन के अंदर RGB लाइट मौजूद है, इसके अंदर आपको चार डिफरेंट मोड्स के अंदर आप अलग अलग नोटिफिकेशंस के लिए इसको सेटअप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये पबजी मोबाइल के अंदर आप स्कोप ओपन करते हैं या फायर करते हैं उन कंट्रोल्स के साथ भी आप अपने हिसाब से इस लाइट को सिंक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं PUBG मोबाइल के अंदर। सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स में और आपको दिखाता हूँ 120 FPS। यहाँ पे देख सकते हो गाइस स्मूथ में आपको मिलता है अल्ट्रा एक्सट्रीम का। और यहाँ पे ये देखो PUBG मोबाइल ने कुछ लिखा हुआ है लेकिन हमको क्या है इसे, हमने तो पढ़ना ही नहीं है। ये इसको अप्लाई करते हैं और यहाँ पे हो चुके हैं हमारे 120 FPS। चलते हैं मैच के अंदर और देखते हैं भाई क्या इसके FPS ड्रॉप होते हैं कि नहीं होते। जैसा कि इन्फिनिक्स वालों ने बोला है कि यार इसके बिल्कुल भी FPS ड्रॉप नहीं होते, बहुत ही स्टेबल फ्रेम रेट रहता है। तो लेट्स गो चेक करते हैं। अभी मैच लगा दिया है हमने, यहाँ से M4 सेलेक्ट करेंगे। तो यार यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये लेफ्ट साइड पे ना काफी यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं। ये गेम के अंदर एक्स बूस्ट है, इसमें इसके अंदर एक मेन्यू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इक्विलिब्रियम, पावर सेविंग और परफॉर्मेंस, तीन मोड हैं। हम यहाँ पे करते हैं परफॉर्मेंस मोड पे, और ये यहाँ पे आपको FPS शो हो रहे हैं।
और बाकी इसके नीचे बात करें तो यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ब्राइटनेस लॉकिंग, ई स्पोर्ट्स मोड, यार एक ई स्पोर्ट्स मोड ये बहुत ज़बरदस्त फीचर मुझे लगा इसका, ई स्पोर्ट्स मोड का। तो उसके बाद नीचे यहाँ पे अल्ट्रा फ्रेम रेट अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। HDR ग्राफिक्स का ऑप्शन मौजूद है और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन और मौजूद हैं, यहाँ पे स्वाइप रिस्पॉन्सिवनेस और टैप सेंसिटिविटी। और यहाँ पे एक और सबसे मज़ेदार फीचर मैं आपको बताता चलूँ, बाईपास चार्जिंग का। इससे क्या होगा कि अगर आप फ़ोन की बैटरी लोग या आप खेल रहे हैं गेम, तो इससे आप बाईपास चार्जिंग वाला ऑप्शन अगर ऑन करते हैं तो इसमें जब आप चार्ज करेंगे तो उसके साथ ये होगा कि आपका जो बैटरी होगी एक सर्टेन अमाउंट तक, एक लेवल तक चार्ज होगी। उससे क्या होगा कि आपकी ना बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज होगी ना ज़्यादा चार्ज होगी, उससे आपकी डिवाइस हीटअप नहीं होगी और आप गेमिंग पे फोकस कर सकेंगे, कंटिन्यू कर सकेंगे, गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा आप उसके ऊपर कर सकेंगे। इसके जायरोस्कोप की बात की जाए तो यार आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ और रिस्पॉन्सिव जायरोस्कोप है यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसका जायरोस्कोप, नॉट लाइक अदर एंड्रॉइड डिवाइसेस। तो अब चलते हैं सीधा भाई गेम प्ले की तरफ। तो यार आपने ना बस अभी कनेक्शंस चेक करनी है भाई, बुलेट कनेक्शन कैसी होती है, आहा हा क्या बात है यार, क्या हेड कनेक्ट हुआ यार, एकदम हैवी, आहा हा सुकून मिल जाता है यार, ये जब टन टन की आवाज़ आती है ना कसम से, ओहो हो कान तरस गए थे यार, सही पता चल रहा है भाई 120 FPS पर गेम चल रही है भाई, चस आहा ये चेक करो यार, टन 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 भाई टन टन, इतने अरसे के बाद मैंने यार मोबाइल डिवाइस पे टन टन सुनी है यार, टैब पे खेल खेल के कनेक्शन ही होती है यार उस पर बिल्कुल भी, आहा ओहो क्या बात है यार एकदम हैवी। रुक तेरे को मैं बताता हूँ, सबर कर यार। अच्छा यार यहाँ पे आप ये चीज़ भी नोटिस करो कि यार मेरे ना यहाँ पे पिंग फ्लक्चुएट कर रहे हैं काफ़ी, MS ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो बुलेट कनेक्शन है ना एग्जैक्ट, मतलब जैसी 120 FPS के ऊपर बुलेट कनेक्शन होनी चाहिए बिल्कुल वैसी बुलेट कनेक्शन है यार, एकदम हैवी किस्म की। अरे ये तो सारा कमाल है इसका, 144 हर्ट्ज़ का जो डिस्प्ले दिया हुआ इन्होंने, अलग से एक चिपसेट दिया हुआ है डिस्प्ले के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो यार FPS 119 FPS, 116, 117, बस इससे नीचे बिल्कुल 116 से नीचे कोई FPS नहीं आपको मिलेगा, और मतलब बहुत ही लो FPS ड्रॉप है। हालांकि 120 FPS में जब थोड़ी सी डिवाइस गर्म होती है तो उसमें भाई अच्छे खासे FPS ड्रॉप होते हैं, बट हाँ हाँ चस करा रही है चस यार, और क्यों ना यार इतना हैवी गेम प्ले उसके ऊपर यार। PMSL पबजी मोबाइल सुपर लीग उसका ऑफिशियल गेमिंग फ़ोन है यार, ऑफिशियल टूर्नामेंट गया, पूरा टूर्नामेंट खेला गया यार इसके ऊपर, आओ। बाकी यार ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं, आप इंजॉय करो मैच, ठीक है। मैंने मैच में बिल्कुल भी कट नहीं किया, पूरा मैच इसी वजह से रखा ताकि आप सही तरह से इसको देख सकोगे यार एग्जैक्ट कैसी परफॉर्मेंस देता है यार एक TDM मैच के अंदर ना, अब ये पूरा TDM मैच आप इंजॉय करो आप, ठीक है। साथ साथ मैं FPS भी आपको दिखाता रहूँगा, ठीक है, आपने चेक करता रहना यार। यहाँ पे देख सकते हो आप FPS आपके सामने शो हो रहे हैं, ठीक है, स्टिल वही FPS, और हालांकि विदाउट फैन के मैं गेम खेल रहा हूँ यार।
यार इतना टाइम गुजरने के बाद भी बिल्कुल स्मूथ गेम चल रही है। और यहाँ पे आपको मैं FPS दिखाता हूँ, जरा एक मिनट ये चेक करो, FPS चेक करो। हाँ हाँ 119 यार, अखीर मतलब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस है यार। इसको आप परफॉर्मेंस मोड पे करके खेलो ना, मैं कहता हूँ हैवी किस्म की चस है यार। बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था यार गेम का, एकदम हैवी किस्म का यार। तो इसकी फाइनल कंक्लूजन की बात की जाए तो यार यहाँ पे इस प्राइस रेंज के अंदर शायद ही आपको कोई गेमिंग डिवाइस देखने को मिलती है। और यार मुझे तो इसका जो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, एक तो वो, दूसरा जो इसके अंदर गेमिंग चिपसेट लगा हुआ है डायमेंसिटी 8200, मैं कहता हूँ इन्फिनिक्स ने अखीर कर दिया। यहाँ पे इतना बेस्ट प्रोसेसर और इतना बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस इसके अंदर मुझे मिला है। तो ये थी हमारी इन्फिनिक्स GT20 प्रो की अनबॉक्सिंग प्लस पबजी मोबाइल का गेमिंग रिव्यू। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद हुई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।